ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा यार। पूरा हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे आप सब, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं MT50 राज 25 और आज हम निकले हैं संडे की राइड पर और मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और 6 बजकर हो रखी है 15 मिनट और अभी पूरी पब्लिक सो रही है। कुछ छूट गए हैं जिनको काम धाम होते हैं जल्दी जल्दी। हमारी हॉस्टल के सारे बच्चे अभी सो ही रहे हैं और कुछ हैं जो पढ़ते हैं जो या रनिंग करते हैं, तो रनिंग पे गए हैं और हम चल रहे हैं राइडिंग पे। और आज है हमारे साथ राइडिंग के लिए जो हम जा रहे हैं वो आगे की तरफ बताऊंगा, जा कहाँ रहे हैं हम पहले ये बता देता हूँ साथ में कौन कौन जा रहा है। तो साथ में हमारे आज हरदेव, जो कम से कम 3 या 2-3 महीने के बाद आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद मतलब राइडिंग पे जाएगा, और हमारे विक्की जो चेतन सैनी और पल्लव है और मैं हूँ जो अपने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है वहाँ हमारा वेट कर रहे हैं, और मेरे साथ बैठा है आकाश और पूरी सड़क गीली हो रखी है भाई। और अभी मैं आपको बता दूं हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं सामूद के बालाजी जो चोमू की साइड है, जहाँ मैं आज पहली बार जा रहा हूँ, यानी सभी पहली बार जा रहे हैं शायद मेरे हिसाब से। तो और जो आगे का सीन है तो वो ये है, देखो मेरा थोड़ा व्यू दिख रहा होगा और आगे पूरा अंधेरा है, तो इनके पास जाके आपसे आपको मिलाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की तरफ। दुश्मन कैसे तू मेरा रोज, कम लिटिल क्लोज तू मेरा रोज। तो गाइस ये वही आदमी है जिनके पास जैकेट है नहीं लेकिन हमारा जैकेट पहन के एक बात बताता था, जब मैं तेरे को पूछ रहा था तो तू कह रहा था सो रहा था। हम तो हम है, पूजा पर जैकेट नहीं दूंगा, क्यों नहीं देगा, आने के बाद दूंगा। तो गाइस हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो ब्रो, जय श्री राम, पल्लव दोन। तो गाइस ये है हमारी गैंग और थोड़ी देर में हम वारदात पे जा रहे हैं। अभी एक बंदा और है शायद चेतन, वो आने वाला है और सुबह सुबह का टाइम है भाई। देखो पोहे स्टार्ट हो गए लेकिन हम कुछ नहीं खाएंगे, हम भूखे पेट जाएंगे भाई, बिल्कुल रास्ते में खाएंगे। सॉरी सॉरी, तो गाइस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। जय श्री राम गाइस। तो निकलते हैं हम सामोद के लिए और उसने पहली बीली मार ही दी है हरदेव ने। ओह सुबह का टाइम है, इस मिरर में दिखता नहीं है मैं थोड़ा ढंग से। आज मजा आने वाले हैं आपको क्योंकि हरदेव है और पल्लव भी, हम 4-5 बंदे हैं। देखो गाइस ज़्यादा ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जिसने मतलब ये राइड करी थी चेतन उसका नाम, तो वो बंदा खुद नहीं आया, देखो उसने फोन ही नहीं उठाया। तो बस कोई ना यार, हम काफ़ी हैं अकेले। गाइस ये आज का ग्रुप, आगे चल रही है R15 RC और बगल में R15 एक MT और हमारी MT, देखो 5 बंदों का ग्रुप। और अभी हो चुकी है 6:56, क्योंकि हम वहाँ वेट कर रहे थे भाई इसलिए टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अदरवाइज हमारा टाइमिंग था 6 बजे निकलने का। बट कोई ना, आपको सुबह का व्यू भी दिख जाएगा, नहीं तो रात होती तो कुछ दिखता नहीं, और सामने का देखो कितना प्यारा व्यू है और सूरज अभी तक निकला नहीं है ढंग से पूरी तरीके से। ठिंग 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 ठिंग, ओहो भाई ये वही रोड है जहाँ से सारी बसें लगती है अजमेर वाली। हम फाइनली दिल्ली वाले जो रूट है इस पे आ चुके हैं और यहाँ से हम सीधा चोमू से लेफ्ट की साइड पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट की साइड पड़ेगा कम से कम यहाँ से वो भी 4-5 किलोमीटर दूर है। हमारे भाई जो आगे निकल चुके हैं पता चले कि धीरे चला रहा हूँ। तो फाइनली गाइस ये है चोमू वाला रूट जहाँ से हम देखो हाईवे से नीचे उतर चुके हैं, तो ये सीधा चोमू की साइड जाता है
भाई सुबह सुबह ना ब्लॉगिंग नहीं की जा सकती, और जो भी सर्दी में भाई हालत खराब हो जाती है, मुंह से बोला नहीं जाता, काम नहीं करते हाथ पैर तो क्या, मुंह भी काम नहीं करता भाई, आवाज़ ही नहीं निकलती है मुंह से। और हमारा ये थोड़ा ढीला हो चुका है, इसकी वजह से मैं बाइक नहीं चला पा रहा अपनी तरीके से। भाई देखो सामने आपको दिख रहे होंगे उनकी पीछे वाली लाइट है जो क्लिक कर रही है, यही हमारे के मेंबर है सारे। ये देखो ओ भाई सुबह के टाइम में तो मज़ा ही कुछ हो रहा है यार बाइक चलाने का, भाई मज़ा आ जाता है सुबह सुबह तो। यह है चुमू वाला रूट जहाँ से आप खाटू श्याम जी सीकर जा सकते हो, यहाँ से सीधा डायरेक्ट जयपुर से। और अभी हम सामोद जाएंगे, यानी चुमू की साइड है वो, पहले चुमू फिर चुमू से सामोद की तरफ मुड़ेंगे हम, राइट की तरफ आता है। तो अभी हमारे साथ है आरसी 200 और आधे भाई हमारे पीछे रह गए हैं, थोड़ा उनमें थोड़ा आगे निकल गया था, तो साथ मिल चुके हैं हरदेव सही है, शायद पल्लव भी हमारे साइड में आ चुका है। गाइज बस आप राइड का मजा लो, आज मजा आने वाले हैं। वहीं हम जा रहे हैं मंदिर में, जो हनुमान जी का मंदिर है बहुत फेमस है, मतलब मैंने नाम सुना है मेरे दोस्तों से, कॉलेज वाले दोस्तों से, कि सामोद के बालाजी बहुत प्यारे हैं। ओह भाई जोश में आ चुके हैं हरदेव, उनकी भाई एकदम प्रॉपर 3 महीने बाद ठीक हो चुकी है इसलिए। और जैसे मैकेनिक ने बोला था उसको तो भाई 500 किलोमीटर से पहले इसको 100+ मत भगाइए, पर वो मानेगा नहीं, वो चलाएगा। ओहो भाई 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 भाई, तो देखो भाई ऐसे हरदेव दोनों टायर चेंज है इसके, आगे शायद 130 का है और पीछे 160 का, तो भाई कितनी भी लीन कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस है और बहुत पहले से बाइक चला रहा है, तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको इस चीज़ों का। तो यहाँ से हम लेंगे राइट, वो भाई यहाँ तो बहुत गंदा वाला कीचड़ हो रखा है, मेरी तो हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि हमारे पीछे मरघाट नहीं है और मरघाट ना होने की वजह से पूरा कीचड़ हमारे पे जैकेट पे आएगा, ये तो दिक्कत हो गई मेरे लिए। इनको मजे आएंगे पर मुझे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास बैग नहीं है और बैग मैं लूँगा उससे। पकड़ते हैं एक बार, बोलते हैं हमें बैग दो, बिना बैग के गाइस हमारा पूरा पीछे से जैकेट है पूरा गंदा हो जाएगा इस कीचड़ की वजह से। तो अभी चलते हैं आगे और उससे जैकेट ले वो लेते हैं बैग, बैग से क्या बच जाऊंगा मैं थोड़ा बहुत। ओहो पता नहीं कौन सा गांव है, शायद मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, शायद वो मिल चुके हैं मुझे, बहुत आगे निकल चुके थे मेरे से ये रहे। ओ भाई यहाँ भीड़ यार, वो पीछे से पूरा खराब हो गया ना कतई। गाइस पीछे से पूरा बैग खराब हो चुका है हमारा, तो गाइस देखो भाई गांव में राइड करने का मजा यही है, रिएक्शन व्यू अब देख ही सकते हो यार, मैं क्या ही बोलूं इन चीजों के बारे में आपको, आगे देख ही सकते हो यार कितना प्यारा नजारा है यहाँ का। बस मेरे थोड़ी दिक्कत है वो मरघाट की पीछे वाले की, जिससे कीचड़ आ रहा, अगर भाई कीचड़ नहीं होता ना फिर दिखाता मैं आपको, तो कोई ना झेल लेंगे हम। सामने देख सकते हो गाइस हमें मंदिर दिख चुका है, वाह 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 क्या व्यू है यार,
भाई हम तो तृप्त हो गए यहाँ के। सीधी बात यह है, देखो भाई हमने ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा है। हम हर्ष की पहाड़ी पर्वत गए थे, वहाँ बहुत कटिंग थी, मतलब क्या ही टर्निंग पॉइंट थे ना इतने सारे, पर यहाँ जो दिख रहा है हमें वो अलग ही चीज़ है यार। भाई कहाँ आ गया मैं, मंदिर में जाने का रास्ता। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सामोज वाले हनुमान जी के मंदिर में, और आपको पीछे वाला व्यू दिखाई देता हूँ यार, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। तो सारे बहुत खुश है कि इस जगह पे आए, सारी बाइक है सारी, और यहाँ देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और व्यू देखो आप कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। गाइस हमें तो मज़ा आ गया देखो यहाँ। अगर आप भी आओ सामोज के बालाजी के, थोड़ा सा बाहर निकलो जयपुर से, और यहाँ की चीज़ें देखो, और ये वाला एकदम चढ़ाई देखो ऊपर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। मेरे दोस्तों ने बताया था भाई। एक बार आपको हमारी बाइकें दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जाने वाले एकदम पहाड़ के ऊपर जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे। और एक बार आपको सारी बाइकें दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से। फाइनली हमने अपनी बाइकें लगा दी है पार्किंग में नीचे से ऊपर आके, देखो यहाँ ऊपर कर दी, और हम जाने वाले आपको पहले बता दिया मैंने ऊपर वाले पहाड़ों को, देखो यहाँ पे पूरा भाई मज़े आने वाले हैं आज हमको। तो भाई तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके हरदेव? हरदेव कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, मन की शांति और थोड़ी जगह भी ऐसी है ना, गार्डन गार्डन बहुत मजा आ रही है यहाँ पे, दिल गार्डन गार्डन साउंड क्या। चलो पल्लव तो बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइस हम आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, और यहाँ से स्टार्ट है हमारी पगडंडी। देखो इस रूट जा रहा है एकदम ऊपर की साइड पूरा, और हम जाने वाले हैं पैदल। हर पर्वत की तरह नहीं है कि बाइक ऊपर लेके चले जाएंगे, हम जाएंगे पैदल पैदल यहाँ से, और आगे वाला मोहल अच्छा होने वाला है पूरा। डायरेक्ट आपको व्यू दिखाऊंगा ऊपर जाके, और आपको मंदिर दिखाता हूँ कैसा है हनुमान जी का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। बता दूँ आज जो भाई नहीं आया हमारे साथ राइड पे, उन्होंने आज बहुत बड़ा मौका गवा दिया है, और आज का जो मौसम है वो हम ही फील कर सकते हैं क्या ही खतरनाक हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई है यहाँ पे। तो भाई सांस तक नहीं आ रही, लेकिन मजे आ गए देखो, नीचे से पूरा एकदम पूरा चढ़ के आए हम पूरा, अभी तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, और आगे का व्यू तो और भी खतरनाक हो सकता है। चलो भाई आप नीचे देखो एक बार, व्यू चेक करो क्या ही खतरनाक व्यू हो रहा है भाई, सुबह सुबह बारिश हो रही है, प्यारा हो रहा है पर आदमी के टैंक में आप पानी की सुविधा पानी। तो गाइस यहाँ पे हेलमेट के लिए लड़ाई हो रही है भाई, तू लेके चल तू लेके चल। हरदेव को दोनों हेलमेट, हरदेव हरदेव कैसा लग रहा है आपको तो नो हेलमेट पकड़ गए से? बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है, चढ़ने में भी तकलीफ हो रही है, सांस थोड़ी फूल भी। क्या बोल रहा है वाली वाली आ रही है जो होटल में आते हैं भाई, सामान कहाँ है आपका? सामान कहाँ है आपका? ये अरे बाबूजी आ गए ठीक है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं दर्शन। आदि मानव खतरा भाई, जूते तो खराब होंगे लेकिन सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना आशिक रहना। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना।